अगर आज हम नहीं जागेंगे और हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, हम सब जिम्मेदार होंगे जो जिस तरफ अब हम जिस रुख पे निकल चुकी है। सबसे पहले मायशत आ जाए। देखिए मायशत जो है ना, उसके ऊपर भी एक बड़ा जरूरी है, मैं जो शुरू में बात की कि उधर भी इंसाफ चाहिए होता है, रूल ऑफ लॉ चाहिए होता है, सर्टेनिटी चाहिए होती है लोगों को। ये जब तक मुझे ये इत्मीनान नहीं होगा कि आज जो मैं ये फैक्ट्री बना रहा हूं, मैं दुकान बना रहा हूं, मैं पैसे लगा रहा हूं अपनी मेहनत के, सरमायाकारी कर रहा हूं, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये आगे भी यही सिस्टम रहेगा, जब तक मुझे ये इत्मीनान नहीं होगा कि ये कानून नहीं एकदम बदल जाएगा, ये अब सिस्टम चलेगा, तब तक मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। बल्कि वो छोड़ें, ये छोड़ें कि मैं मुल्क में नहीं लगाऊंगा, बाहर से भी ना कोई पैसे लेके आएगा मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने के लिए, और अंदर से भी आपके जो हमारे जो सरमायाकार है वो किसी और मुल्क में जाके पैसे लगाएंगे। अब दुबई से कभी, दुबई में जाके कभी पूछे पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहां कितने कारखाने भी चला रहे हैं, बिजनेस भी चला रहे हैं, उनसे पूछे तो सही कि जब आपका मुल्क है आपने पाकिस्तान में क्यों नहीं पैसा इन्वेस्ट किया, आप क्यों दुबई में जाके पैसा लगा रहे हैं, और मलेशिया में भी यही है। तो वो सबसे पहली बात कहेंगे कि यहां हमें एतमाद है इनके कानून के ऊपर, हमें यहां रूल ऑफ लॉ नजर आता है, इसलिए हमें एतमाद है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो सरमायाकारी है, इनका कानून उसकी हिफाजत करेगा, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है ओवरसीज पाकिस्तानी, जिन एक करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी, 10 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप यह समझ जाएं कि अगर उनमें से, मैं फिर से एक फिगर देता हूं, 20 लाख भी, 15 से 20 लाख पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी शुरू कर दें, तो हमें कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो क्यों नहीं आते यहां? क्योंकि उनको एतमाद ही नहीं हमारे इंसाफ के निजाम।